हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करने जा रहे हैं। साइज स्क्रीन पे दिया गया है। पहले ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। 7.5 इंच पे शोल्डर के लिए निशान लगाते हैं। आधा इंच नीचे से फिर से 7.5 इंच पे निशान लगाते हैं। आर्म होल की लाइन के लिए 7.5 इंच पे फिर से निशान लगाते हैं। चेस्ट का चौथा भाग 10.5 इंच पे निशान लगाते हैं। मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे फिर से निशान लगाते हैं। 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई देते हैं। 3 इंच पे गले का निशान लगाते हैं। 3 इंच लंबाई गले की गोलाई देते हैं। 7 इंच पे कमर का निशान लगाते हैं। 14 इंच पे हिप का निशान लगाते हैं। कमर का चौथा भाग 9.5 इंच पे निशान लगाते हैं। 11.5 इंच पे हिप का निशान लगाते हैं और इन लाइन को आपस में मिला देते हैं। एक इंच बाहर की तरफ से एक निशान लगाते हैं, इसको आपस में मिला देते हैं। आधे इंच पे झुकाव देते हैं। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड को हम निकाल देते हैं। फ्रंट साइड को फोल्ड करके फिर से रखते हैं। आधे इंच से अंदर के तरफ से आर्म होल का निशान लगाते हैं। अभी इसकी हम गहराई दे देते हैं। आधा इंच ऊपर से कपड़ा कम करते हैं। 6.5 इंच पे गले का निशान लगाते हैं और गले का शेप दे देते हैं। आर्म होल की गहराई को कट कर लेते हैं। अभी हमारा बैक और फ्रंट पार्ट तैयार है। अभी हम आर्म होल की गोलाई को नापते हैं और जहाँ पर हमारा फिटिंग का साइज आ रहा है वहाँ का नोट करते हैं। 10 पे आ रहा है, 10 इंच। यहाँ से ही हम हाथ की कटिंग करते हैं। अभी हम कपड़े को ऐसे कट करके निकाल लेते हैं। अभी आस्तीन काटने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखते हैं और वहाँ पे हमने नापा था 10 इंच पे हमारे आर्म होल की गोलाई आ रही थी, उसी अनुसार हम कपड़ा लेंगे। लंबाई में हम 15.5 इंच ले रहे हैं। 3 इंच अंदर के साइड से लंबाई में निशान लगाएंगे 9 इंच पे। अभी 9 इंच से हम इसको गोलाई दे देंगे। 6.5 इंच निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान लगा करके मार्जिन के साथ कटिंग करेंगे। अंदर की गहराई का निशान लगाएंगे, वहां से हम इसको कटिंग कर लेंगे।
फ्रंट के गले का निशान लगाएंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। ये कपड़ा अंदर डाल करके फोल्ड करके सिलाई करते हैं। बैक साइड को भी इसी तरह से रख करके वहाँ से निशान लगाएंगे गोलाई में और उस कटिंग कर लेंगे। अभी हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।